हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज का हमारा वीडियो ऐसे टॉप 5 फायर टाइप पोकेमोन में विश्व इसने टोटल 7 फायर टाइप पोकेमोन पकड़े हैं। आपको मालूम होगा तो इसने टोटल 7 फायर टाइप पोकेमोन पकड़े हैं। अब 7 पोकेमोन और टॉप 5 पोकेमोन के बारे में पता करेंगे। तो आज के वीडियो इसी बात पर, तो आज के वीडियो बहुत मतलब बहुत में एक दिन में दो तीन वीडियो आ रहा हूँ, तो आपको खुश करने के लिए अब मैं व्यू कुछ बढ़े नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आपके व्यू बढ़ा हुआ है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब पोकेमोन का मतलब वो रियल फैन हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो कोई खास है तो बहुत अच्छी वीडियो है, तो सब्सक्राइब ना हो पॉकेटेक हिंदी, क्योंकि आपको अवसर मिले। और मैं अभी थोड़ा सा गेम खेलना बंद कर रहा हूँ, तो बुरा मत मानना। मतलब कई लोग बोल रहे थे गेम तो बंद कर, गेम बंद कर, तेजी ला, टॉप पर ला, तो टॉप पर ला रहा हूँ। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो आने वाली है किसी को भी, तो आप जरूर देखें। समझे मेरे तो लग गए। यह लिस्ट चालू होती है नंबर 5 से। तो नंबर 5 में वो आता है जो तो सिंगल टीवी का दूसरा सेट, वो है क्यूलावा। क्यूलावा मेरा बहुत अच्छा पोकेमोन है, ये बहुत सही पोकेमोन है। किस सीजन रिजर्व में है ना सिंगल टीवी से क्यूलावा बना था, आपने जो देखा होगा टीम रॉकेट ने अकेट किया था, ये क्यूलावा बन गया था। तो इसने सिंडोल मतलब सिनोलिंग में भी बहुत अच्छा पोकेमोन किया था इन अर्मांडो जैसे पोकेमोन से ना टाइप की थी। तो इसका पोकेमोन की विन रेट भी बहुत अच्छी है 70%। तो क्यूलावा ये बहुत अच्छा पोकेमोन है। और क्यूलावा की खासियत देखी जाए तो प्योर वायर टाइप मतलब फायर टाइप पोकेमोन है। इन्हें ना मतलब बहुत सिंडल ट्रिप के रूप में बहुत सारे पोकेमोन को भी हराया था। तो क्यूलावा वेरी नाइस पोकेमोन। एंड नंबर फोर में वो पोकेमोन आता है ऐसा फ्लाइंग एंड फायर टाइप का पोकेमोन टेलोन फ्लैम। तो टेलोफोन तो कोई नहीं आता, ये केलोस रीजन का पोकेमोन है। इन्हें इसको अपने छोटे रूप से पकड़ा था जिसका नाम था, और मुझे तो उसे याद नहीं आ रहा, तो सोच रहे ये केलोस रीजन का फ्लाइंग एंड फायर टाइप पोकेमोन बहुत अच्छा पोकेमोन है। इन्हें केलोस मतलब केलोस के फाइनल में इसने 101 बेटर भी जीता थी, जो बहुत शानदार बेटर थी। तो ये बहुत अच्छा पोकेमोन है, प्योर फायर फ्लाइंग टाइप का। केलोस रीजन में कई ने तो क्वेश्चन सबको बहुत अच्छा भी लगा, और ये अच्छा पोकेमोन भी है। इसी टाइप में तो इतने अच्छे है, तो बहुत अच्छे है। इन्हें बहुत सही इसको जीता भी दिलाई, इसका मेरे पर्सनल भी बहुत अच्छा था। नंबर थ्री में वो आता और का स्टार्टर का सबसे थरो, तो उसका नाम है इंसेरोट। तो तेरा नाम तो सक रखते हो तो माफ करना, ये इंसेरोट बहुत सही पोकेमोन है। इसका लीटर और टोरा केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। टोरा केट ने तो है ना वो कुकरी पपसे कुकरी के है ना इंसेरोट को भी हरा दिया था जब ये विशिष्ट हो गया था। तो विशिष्ट होने के बाद ये भी आउट हो गया था, मुझे मालूम था। तो ये बहुत औसम पोकेमोन है, इसे भी कहानी चार्मेंडर और चिमचम जैसी है। तो इसके लिए बहुत और ये तीसरे स्थान पर डीजो करता है। तो आता है नंबर टू तीनों का स्टार्टर चार चिमचा का तीसरा स्टेट वो है इंफर्ने। तो इंफर्ने एक फाइटिंग और फायर टाइप का पोकेमोन है। इन्हें पोल के इलेक्ट्रिक वायर को भी हराया है, इन्हें ना एक जिम पैक में ना रसले को भी हराया था। ये बहुत शानदार फायर टाइप पोकेमोन है, इससे क्या ताकत करूँ। इससे बहुत सारे फैन भी है, ये बहुत प्रभावित पोकेमोन है और मेरा भी एक फेवरेट पोकेमोन है। इसके पास तो बड़ी एबिलिटी भी आती है, जो एबिलिटी ऑन हो जाती है तो उससे भी पोकेमोन टिक नहीं पाता है। इसकी खासियत की बात करते हैं तो ऊपर जो फायर फ्लेम रखती है वो बहुत बहुत खतरनाक होती है, और ये बहुत शानदार पोकेमोन है। अब आते हैं फायर पोकेमोन किन, जो एस का पोकेमोन है, जो बहुत शानदार पोकेमोन है। उसका नाम है चार महीने का तीसरा रूप चालीजा। जो चालीजा की क्या मैं बोलती हूँ, बहुत अच्छा पोकेमोन है ये। इन्हें ना एक आल्टिकुनो को भी हरा चुका है, आल्टिकुनो एक लेंजेंडरी पोकेमोन है उसको भी ये हरा चुका है। इसी का टाइप करो, इसको ना डायगर टाइप मूव भी आते हैं, डायगर है डायगर क्लो ऐसे कुछ मूव भी आते हैं इसको, और डायगर टेल भी कुछ मूव आता है। ये बहुत अच्छा पोकेमोन है, ये चार्मेंडर के रूप में बहुत अच्छा था। जब ये ना चार्मेंडर बना था उसके बाद मारना बंद कर ली थी, जब ओरेंज आइलैंड में पोली जैसे हार गया था, जैसे हारी थी उसने ऐसे की मदद की थी जैसे बांध करना शुरू कर दी थी। जब इन्हें ओरेंज आइलैंड के डायनाइट को भी शानदार टक्कर दी थी, जरूर वो मैं छा गया था, फिर इतना शानदार टक्कर दी थी उसने साली साथ में। इसने गेरी के बला टॉस को भी हरा चुका है,
और बहुत सारे मतलब गोलम गए के गोलम को हरा चुका है। ये इस शानदार पोकेमोन के रूप में ये बहुत सही पोकेमोन है चालीजा, मैं फेवरेट पोकेमोन है। एंड गाइस जैसे ऑफिशियल लिस्ट नहीं थी तो आप कमेंट में मुझे सुझाव कर सकते हैं दिसंबर 1 में नंबर 5 में कौन कौन आना चाहिए था। तो गाइस डिस्क्लेमर करना ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना प्लीज़ शेयर ना।